जिस तरीके से मातम का माहौल और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया राज परिवार के बाद एक वीवीआईपी शादी समारोह का आयोजन हुआ जिसमें कि देश भर की 100 से अधिक राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बेटी की शादी में आधा सैकड़ा से अधिक देश भर की राजनीतिक हस्तियां शामिल होने के लिए पहुंची और इस शादी समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड, असम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री शामिल होने के लिए पहुंचे। ये वीवीआईपी शादी जिसमें कि मुख्यमंत्री भी शामिल होने के लिए पहुंचे, बेहद खास ये मौका रहा। शादी का समारोह, मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बेटी की शादी और देश भर की राजनीतिक हस्तियां इस शादी में शामिल हुई। ये देखिए तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जब ये सभी लोग पहुंचे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे और ये देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर पहुंचे, कई अन्य मंत्री भी जो कि इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर नजर आए जो कि शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। ये शादी शाही वीवीआईपी जिसमें कि शामिल होने के लिए ये सभी लोग पहुंचे, जेपी नड्डा यहां पर मौजूद नजर आए और उनके अलावा अन्य भी केंद्रीय मंत्री पहुंचे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे, हरियाणा के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे, यूपी के मुख्यमंत्री इस शादी समारोह में नजर आए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे। वीवीआईपी शादी